स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज देखो, आपका ये 7.5 है। 7.5 में हम 10 मिनट से बैठे तो बोला क्लास हो रहा है, वो दिखा रहा है। स्टार्ट हुआ मैथ्स। क्वेश्चन में क्या क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में बताओ। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सर, टोटल कितना फ्रैक्शन हुआ अनर हुआ है उसको इजुअल इक्वल टू करके लास्ट में एक वैसे सेम टू सेम बॉक्स बनाना है और उतना ही कलर करके दिखाना है कि टोटल कितना बॉक्स कलर हुआ है। ओके बेटा देखो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोग लेट से आ रहे हो, है ना। राइट डीच फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सबट्रैक्शन। तो आपके लिए ये क्या बेटा, ये अगर आप काउंट करो तो ये सेडेड आपका 1, 2, 3, 4, 5 में सेडेड पार्ट आपका 1 है। तो इसका क्या होगा, 1/5, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5 को। और इसमें आप काउंट करो तो 1। गुड मॉर्निंग सर। सोनो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अब इस फ्रैक्शन में देखो, ये आपका अब हो गया लास्ट। अब गुड मॉर्निंग मत बोलना है ना। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 है। 1, 2, 3, 5 में आपका नंबर ऑफ टोटल साइडेड बॉक्स क्या है, 2। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 2। ये आपका 2 है और टोटल पार्ट क्या है, 5। 1 बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 5। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग लेट से क्यों आते हो। एक्सरसाइज क्या है, 7.5। ओके सर, अभी तो हुआ 9:50 और 9:50 को क्लास शुरू होते हैं सर, हम लोग लेट नहीं है। तो ये 1/5 में अब आप इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स में आपका क्या है, साइडेड पार्ट 1, 2, 3। सारी सब हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे कॉपी पे। कॉपी में फिगर ड्रॉ करना होगा। अगर फिगर ड्रॉ नहीं करना होता तो मैं प्रोजेक्टर क्यों यूज करता। अभी ये फिगर है तब तो आपको समझ में आ रहा है। मान लो ये फिगर ही मैं हटा दूं, देखो इस तरह से मैं रखूं, आपको क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में। अगर आप फिगर नहीं बना रहे हो तो मींस बिना फिगर का आपका इस तरह से क्वेश्चन है। तो 1, 2, 3 मींस 123 हो गया, आप समझ पाओगे। इसलिए फिगर कंपलसरी। नो सर, समझ नहीं आ रहा है। अब आपको ये देखो, अब आपका ये फिगर आ गया। ये फिगर से आप समझ रहे हो ना कि 3 बॉक्स हमारा साइडेड है और टोटल आपके पास क्या है, 1 होल इज डिवाइडेड। यस सर, अब समझ आ रहा है। अब आपका इसका फ्रैक्शन देखो, इसका लिए फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5। अब आपको इसमें रिलेशन देखना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। ये एक्चुअल में 1/5, 2/5 और 3/5 ये सारे के सारे आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। और ये 1 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो ये हमारा 3 होगा। इट मींस ये दोनों बॉक्स के बीच में जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्या होगा, ये आपका प्लस होगा। सर कुशल डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास से रिमूव कर रहा हूं उसे। अब आप लोग लेट से आओगे तो और 10 मिनट तक आपको वेटिंग रूम में ही रखूंगा, है ना। अगर आप लेट से आते हो तो देखो इधर, ये प्लस कैसे हुआ ये बताओ। सोनू सोनू गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनू, ये प्लस कैसा आ रहा है ये बताओ। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे सोनू। सोनू ठीक है, अब आप क्लास से रिमूव रहो। जब आप क्लास में हो नहीं तो कोई मतलब नहीं है। प्रसन्न बोथरा, ये तानी है क्या। यस सर। हाँ बेटा, रही अभी आ रहे हो क्या आप क्लास में। ये दोनों के बीच मोबाइल में ज्वाइन हो गई थी। हाँ ठीक है, ये एक्सप्लेन करो दोनों के बीच में प्लस का सिंबल कैसे यूज हुआ, क्यों हुआ ये प्लस का सिंबल। सर इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो ये आएगा थर्ड वाला जो।
हाँ तो वो है, सम। ये आपको समझ में आया कि 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 5 को अगर मैं ऐड करूं तो ये 3 अपॉन 5 है, ये बॉक्स 3 अपॉन 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये दोनों बॉक्स के बीच में हमारा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यस सर। सर मेरा रीनेम कर दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीनेम कर लो, ऑप्शन आ गया। ओके सर। कुमार पाल सर, क्यों इस तरह की आवाजें निकाल रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी नंबर। ओके, बी नंबर में देखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन, आपके पास पार्ट को काउंट करो, ये आपका क्या 1 2 3 4 5 मीन्स टोटल आपके पास में क्या है, ये टोटल आपके पास में 5 पार्ट्स है और साइडेड पार्ट क्या, सभी के सभी पार्ट्स आपके साइडेड है, तो 5 अपॉन 5। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, इसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंबल यूज करना है कि ये प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। ओके, अब आप इस फ्रैक्शन को देखो, इसमें साइडेड पार्ट का स्टार्ट करो तो ये 1 2 3 3 साइडेड है और टोटल पार्ट क्या है 5, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल साइडेड पार्ट 3 हो गया हमारे लिए, टोटल पार्ट हमारे लिए क्या हो गया 3 और सॉरी साइडेड पार्ट 3 है, टोटल हमारा क्या 5, साइडेड पार्ट 3 और टोटल पार्ट हमारा 5। इसमें आप साइडेड पार्ट को देखो 1 और 2, मीन्स साइडेड पार्ट हमारे लिए क्या है इसमें 2 और टोटल पार्ट क्या है 3 4 5। ओके, और यहाँ ये इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है ना, तो आपको 2 अपॉन 5 ये आपका रिजल्ट आ रहा है। और ये जो दो फ्रैक्शन है, फर्स्ट आपका 5 अपॉन 5 है और ये आपका 3 अपॉन 5 है, तो 5 अपॉन 5 यहाँ मैं देखो ये ऐसे लिख रहा हूँ, ये 5 अपॉन 5 है और ये आपका 3 अपॉन 5 है, इसमें आप क्या सिंबल यूज करोगे, ये रिजल्ट हमारा 2 अपॉन 5 हो जाए, माइनस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। किसका आंसर है माइनस? करेक्ट आंसर है सर, माइनस है इसका आंसर। नहीं बेटा, सिंबल हाँ नेगेटिव सिंबल होगा, क्योंकि अगर मैं 5 अपॉन 5 में सबट्रैक्ट करूं 3 अपॉन 5 तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि 5 और 5 डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो सबट्रैक्ट करने के बाद आपको आएगा 2 अपॉन 5, इसलिए इस दोनों के बीच का जो सिंबल है वो क्या होगा आपका, सबट्रैक्शन का, कि 5 अपॉन 5 में 3 अपॉन 5 को सबट्रैक्ट करो तो आपका 2 अपॉन 5 आएगा। नेक्स्ट फिगर देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सी में आप इसे साइडेड मान लो, ये जो इस तरह से एकदम हल्का सा जो दिख रहा है ना, इसे आप साइडेड मान लो, ये एकदम इसे आप क्या मानो साइडेड, और इस इधर भी आपके लिए क्या हो गया बेटा, ये साइडेड, ये आपका क्या है साइडेड, साइडेड, ये साइडेड सर्कल है और इसमें टोटल नंबर ऑफ साइडेड सर्कल देखो, ये 1 2 3 4 5। अब इसमें फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे। ओके, साइडेड में नंबरिंग करो। ओके सर, ये आपका साइडेड 1 और ये 2, तो मीन्स आपका साइडेड सर्कल हो गया 2 और जो अनसाइडेड है उसे काउंट करो, 2 के बाद ये हो गया 3 4 5 6, तो इसके फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा 2 अपॉन 6। सेकंड नंबर पर आ, सेकंड नंबर पर आपके लिए साइडेड क्या है 1 2 3, तो साइडेड आपके पास 3 है और टोटल नंबर ऑफ सर्कल काउंट करो, 3 के बाद ये हो गया आपका 4 5 6, ये हो गया आपका 6 और ये इक्वल टू का सिंबल है। अब आप साइडेड सर्कल काउंट करो 1 2 3 4 5
और लास्ट सर्कल हमारा टोटल हो गया 6. अब आपको इसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन को डालना, मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. प्लस. वेरी गुड. देखो यस प्लस फर्स्ट आप तो देखो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि सारे के सारे डिनोमिनेटर हमारा क्या सेम है. अब आप 2 में 3 ऐड करोगे तो रिजल्ट आ रहा है 5. मींस यहां मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिंबल क्या होगा? प्लस. और आप अपने कॉपी में ये जो स्पेस है इसे आप क्या करना, इसे प्लस कर देना आप. yes, कोई डाउट तो नहीं है तानी? नो सर. समझ रही हो तानी? ठीक है सर. अगर अनलाइक फ्रैक्शन हुआ तो? अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो आप उसे फर्स्ट कन्वर्ट करोगे लाइक फ्रैक्शन में, उसका डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना. इक्वल करने के बाद फिर आप उसे चेंज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एक एग्जांपल बता दो ना. अनलाइक का. यस सर. एक अनलाइक का फ्रैक्शन का एग्जांपल बता दो ना. अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल बता दूं? यस सर. यस सर. ये देखो अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल. उसके लिए क्वेश्चन सोचना पड़ेगा बेटा. ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, फिर उसका रिजल्ट हमको देखना पड़ेगा कि दोनों का रिजल्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा. तो क्वेश्चन मैं सेट कर लूंगा अनलाइक का ना, तब आप देखना. लेकिन अगर आप सिंपल, अगर आप अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और अगर सब्ट्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम है, मीन्स 1/3 है और ये आपका 4/5 है, ये आपके लिए चाहत, तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो गया. अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग कैसे ऐड करते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन को 1/3 है ना, इसे आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. ये इसका 5 है तो आप इसे भी 5, इसे भी 5 कर लो. तो ये आपका हो गया 5/15. नेक्स्ट आपका ये 4/5 है. 4/5 को इसके डिनोमिनेटर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो. 3/3 इक्वल टू हो गया ये 12/15. अब आपके लिए 1/3 है, 1/3 की जगह ये 1/3 की जगह आप क्या लिख लोगे? 5/15. और ये प्लस 4/5, ये जो 4/5 है इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो? ये 4/5 कन्वर्ट हो रहा है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 12/15. ये आपका 12/15. देखो अब ये अनलाइक से कन्वर्ट हो गया ना लाइक फ्रैक्शन में, जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्या है? सेम है. अब जब लाइक फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्ट ऐड करो. 12+5 क्या हो गया? 17. ये आपका 17/15. ये आंसर हो गया आपका. ओके सर, समझ आ गया. यस सर, समझ आ गया. यस सर, समझ आ गया. क्वेश्चन नंबर टू ये लाइक फ्रैक्शन है. तीर्थ मेहता, सर ये भी जैसा है. रूबी देख उठ जा. निका सर, क्या से आवाज आ रही है? बहुत सर. हार्दिक सर. ठीक है आप रिमूव है क्लास से.
सर ये वाला भी फर्स्ट ओके okay, आप देखो ये 1/18 और 1/18 ये आपका लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, तो 1/18 प्लस 1/18 इक्वल टू 2/18, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 2 1 2 और 2 9 18, ये 1/9, ये आंसर हो गया किसके लिए, ए नंबर के लिए। और आप आई वांट टू आस्क समथिंग, यस सर, डिनोमिनेटर प्लस या फिर माइनस नहीं होता? डिनोमिनेटर प्लस है और माइनस नहीं होता, ये तो माइनस एग्जांपल है ना ये। सर मैं बोली डिनोमिनेटर प्लस या फिर माइनस नहीं होता, डिनोमिनेटर क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन क्या पूछ रही हो आप? सर अभी आप 1/18 और 1/18 को प्लस करें, तो प्लस इसलिए करें क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका क्या प्लस, अगर यहाँ क्वेश्चन में माइनस होता तो मैं माइनस करता, अगर यहाँ माइनस दिया होता 2/18 हुआ तो फिर डेनोमिनेटर माइनस प्लस नहीं होता। क्या पूछ रही हो, अच्छे से लॉडली बोलो, फिर से बोलो आप, एक मिनट रुक जाओ। सर वो पूछ रही है कि नीचे डिनोमिनेटर प्लस क्यों नहीं होता जब न्यूमरेटर प्लस होता है तो। पूछ रही थी अपना डॉट मैसेज करो तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैसेज करो, सभी म्यूट हो, मैसेज करो क्या डॉट है डिनोमिनेटर से रिलेटेड। मैसेज करो बेटा अपने डाउट को, मैसेज में देखूंगा क्लियर होगा फिर आपको मैं बताऊंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ओके मैसेज करना आप, हाँ तरीका अच्छा समझ गया, डिनोमिनेटर प्लस क्यों नहीं हुआ ये कह रहे हो ना। तनिका का डाउट ये है कि क्वेश्चन में 1/18 है और ये 1/18 है, तो आपका डाउट ये है कि 18 और 18 मिलकर ये 36 क्यों नहीं हो रहा है, यही डाउट है ना। तो ऐसा नहीं होता, जैसे मैथमेटिक्स का कुछ रूल है ना कि 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो वो कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स है, हम लोग जब भी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद जो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं बेटा, एलसीएम जो निकालते हैं वो हम लोग लेते हैं, इसे हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो 1/18 और 1/18 का अगर आप 18 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है, और वो एलसीएम क्या होगा, आप 18 का टेबल पे जाओ तो 18 1 जा 18 और 18 1 जा 18, मीन्स इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या है आपका 18। तो अब आपके लिए डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आ गया, 18 आएगा, आप 18 प्लस 18 32 नहीं कर सकते, आपको यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जो एलसीएम है वो लिखना है, ये रूल है फ्रैक्शन को जब ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम ही आता है, तो ये आपका 18 हो गया। जब 18 हो गया और ये आपका सिंपल सा ये आपका लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होगा तो 1 और इसका न्यूमरेटर 1, 1 + 1 क्या हो गया 2 2/18, सिंपलेस्ट फॉर्म में जाओगे तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 1/9 ये आपका आंसर आ गया। ये डाउट क्लियर हुआ तनिका, तानी किसका था डाउट ये? तानी यस सर क्लियर, ठीक है हो गया, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ है ना, वो किसी और को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछना। ओके सर, और डिस्टर्ब नहीं करना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, आप तब अनम्यूट होना जब आपको कुछ डाउट होगा, तब तक के लिए आप लोग म्यूट रहो। सेकंड क्वेश्चन में सर आंसर बताने के लिए अनम्यूट हो सकते हैं? हाँ वो आंसर आप बता देना ना, आपके पास म्यूट और अनम्यूट दोनों का ऑप्शन है ना। ये जो इजी क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये इजी 8/15 और 3/15 ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करूंगा, तो 8 + 3 क्या होगा, 8 + 3 11, तो 11/15 इसका आंसर क्या आ रहा है,
इसका आंसर 11 अपॉन 15 11 अपॉन 15 ये हमारा लाइफ फ्रैक्शन अच्छा सर आप जी और आई को एक्सप्लेन कर दीजिए वो थोड़ा अलग टाइप का यस सर बाकी हम लोग बना लेंगे हम लोग बना लेंगे बाकी तो बहुत इजी है ओके देखो नेक्स्ट से सारे के सारे क्वेश्चन लाइक फ्रैक्शन में मींस आप सीधा न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना कि 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 अपॉन 7 इसका आंसर होगा 2 अपॉन 7 फिर आप ये देखो 1 अपॉन 22 और 21 अपॉन 22 तो ये दोनों हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसके न्यूमरेटर को ऐड करो तो 21 प्लस 1 ये थोड़ा मैं सॉल्व कर रहा हूं देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 1 अपॉन 22 प्लस 21 अपॉन 22 तो इसका 21 प्लस 1 ये 1 प्लस 21 अपॉन 22 इक्वल टू 22 अपॉन 22 इक्वल टू क्या आएगा आंसर 1 इसका आंसर क्या आ गया इसका आंसर 1 आ गया आपका ये 12 अपॉन 15 और 7 अपॉन 15 ये लाइक फ्रैक्शन आप सब्ट्रैक्ट कर लेना इसमें अनलाइक फ्रैक्शन का कोई एक एग्जांपल आप देखो जैसे इसे मैं देख लो सर जी ये जी नंबर ओके जी नंबर में ये एक्चुअल में क्या है 1 है बेटा तो 1 को आप इसका डिनोमिनेटर 3 है ना ये आपका जी नंबर क्या है 1 माइनस 2 अपॉन 3 अब आपको 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो जो कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 3 तो 1 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से और इसे भी मल्टीप्लाई करो 3 से माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 अब ये हमारे लिए क्या हो गया ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन में 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 बाय 3 आंसर आ गया और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है आपका एच नंबर भी इम्पोर्टेंट है ये 0 बाय 4 क्या होता है एच नंबर देखो कि आप अगर 0 बाय 4 का वैल्यू क्या होगा 0 किसी भी मतलब 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो हमेशा 0 होता है आप ये 0 है और ये आप 4 से इसे डिवाइड कर रहे हो तो आप 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा मींस अगर मैं 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका क्या आया 0 आंसर भी रिमाइंडर हमारा 0 बन रहा है तो ये रूल ही है बेटा कि किसी कि जब भी 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो वो हमेशा 0 होगा तो इसके लिए एच नंबर का आंसर 1 बाय 4 प्लस 0 बाय 4 का वैल्यू क्या होगा 0 तो 1 बाय 4 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 1 बाय 4 ये हमारा 1 बाय 4 यस सर सर एक बार आई भी बता दो आंसर ये 3 ये बता दूं आई यस सर तो आपका आई नंबर है आपके लिए यहाँ सिर्फ 3 है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना जिसका डिनोमिनेटर 5 हो तो आप इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 और 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 5 जा क्या हो गया 15 और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 5 तो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन है 3 माइनस 12 बाय 5 तो आप 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है आपका 15 अपॉन 5 तो आप यहाँ लिखोगे 15 अपॉन 5 माइनस ये आपका होगा 12 बाय 5 तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया जिसमें डिनोमिनेटर सेम है और 15 में 12 को माइनस करो तो क्या आंसर आएगा आपका 3 तो 3 माइनस 5 ये आपके लिए 3 बाय 5 आएगा आंसर 3 बाय 5 सर मेरे को यस सर ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे कंप्लीट हो गए बेटा हाँ पूछो डाउट को आप मैसेज में करो सर जी वाला समझ नहीं आया अब जी का सर वो आई वाला सर कोई वाला सिंगल नंबर है समझ नहीं आया सर आई में जैसे 3 सिंगल नंबर है
तो वो सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से नहीं होगा। कौन सा नंबर के बारे में पूछ रहे हो, फिर से बोलना सर। देखो थ्री इंटू एक मिनट, कोई एक बोलो। हाँ आप बताओ सर। एक नंबर है तो वो जैसे थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव है, तो वो सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके आंसर होगा, सॉरी न्यूमरेटर में ही होगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके 15 नहीं होगा। दोनों में होगा ना, अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हो तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आप आई के बारे में पूछ रहे हो ना, ये आपका ये जो थ्री है ये आपका क्या है, एक्चुअली में थ्री है, और इसका एक ऐसा आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा आपको बनाना है जिसका न्यूमरेटर और न्यूमरेटर कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा, फाइव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइव। तो आप क्या करोगे, आप ये जो थ्री है एक्चुअली में, ये जो आपके पास थ्री है उसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, फाइव चाहिए। मीन्स जो चाहिए उससे आपको मल्टीप्लाई करो, ये आपको फाइव न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, तो आपका फाइव थ्री या 15 और इसका डिनोमिनेटर में सिर्फ हो गया फाइव। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। और कोई भी क्वेश्चन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना जरूरी होता है? नहीं, आप एलसीएम भी लेकर बना सकते हो, लेकिन क्लास आप एलसीएम से भी बना सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने से लाइक फ्रैक्शन में आता है, वो ऐड या सबट्रैक्ट करने में बहुत इजी पड़ता है, इसलिए आपको इक्विवेलेंट से बता रहा हूं मैं। ओके सर। स्क्रीन क्लियर है? नहीं समझ आया। कौन सा नंबर, एक कोई एक बताओ, नंबर बताओ कौन सा नहीं समझ सर, सेकंड का जी। मैसेज करो, मैसेज करो अपना क्वेश्चन का नंबर, मैसेज करो क्वेश्चन का नंबर, मैसेज करो। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। शुभम अपने रूम में जो पेंट करता है बेटा। मैं बताऊं कैसे करेंगे? कहां कोई मैसेज, अच्छा एक मैसेज आया है। सर आई सर आज क्लास बीच बीच में अटक रही है नेट का। यस सर। वो आज बारिश हो रही है, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। एक मिनट रुक जा, क्वेश्चन नंबर डी और सेकंड का जी। एक मिनट, क्या डी और जी, ये दो क्वेश्चन है ना, डी और जी। सर यस सर, डी डी और जी में रुक जाओ, देखने तो क्या है डी और जी। डी तो बहुत इजी है, ये आपका डी हो गया। यस सर, डी बहुत इजी है। और जी, ये आपका जी हो गया। हाँ यस सर, जी नहीं समझ आया। आप एक बार और मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखना कि किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन को आप दो बार तीन बार रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना। ये डी का सिंपल सा, ये लाइक फ्रैक्शन है 22 और 22, तो आप इसे ऐड करो। 21 में 1 ऐड करने से क्या होगा, 22, तो आपका न्यूमरेटर भी 22. न्यूमरेटर भी आपका, इसका रिजल्ट न्यूमरेटर भी आपका 22 और डिनोमिनेटर भी 22, ये दोनों कैंसिल होकर क्या होगा 1, इसका आपका आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। और yes. और ये जी के लिए देखो, जी के लिए आपका ये जो 1 है, 1 को मैं ऐसे भी 1 - 2/3, लेकिन इसका डिनोमिनेटर बेटा क्या है, 3 है, आपको इसका डिनोमिनेटर में 3 लाना है, तो आप इसे न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो गया 3/3 - 2/3, तो 3 में से 2 माइनस होगा, क्या आएगा आपका आंसर 1/3 आपका आंसर आ गया। सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई करें उसको, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है ना, सेकंड वाला में डिनोमिनेटर 3 दिया है ना, अगर 5 दिया होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ 8 दिया होता तो आप क्या करते, 8 से मल्टीप्लाई करते, ओके सर। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओ, है ना, मैसेज करो, ये क्वेश्चन आप नहीं बताऊंगा मैं सर, आपको सर, मैं सिर्फ आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ कि शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल, जो वॉल का पार्ट है बेटा वो मान लो कंप्लीट 1 पूरा वॉल पेंट कर दिया, 2/3 ये पेंट किया है, हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3। सर इसको कैसे चैट में भेजे? सर इसका आंसर 3/3 है।
इसको मैं फिगर में बना रहा हूँ। मान लो बेटा आपके पास ये एक वॉल है, ओके? सर, ये तो बस प्लस करना। ये क्या है शुभम? ये क्या है? ये शुभम, आप फर्स्ट इसे आप ऐड करो, थ्री में टू ऐड करो तो ये क्या हो रहा है? टोटल फाइव हो रहा है ना, तो आप इसे फाइव इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। वन टू, ये वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये वॉल में शुभम शुभम सॉरी, ये टू अपॉन थ्री मीन्स आपका थ्री ही रहेगा ये। यस सर। हाँ, तो थ्री पार्ट में टू पार्ट को सेडेड करिया, ये पेंट किया, ओके? तो अब इसके लिए क्या फ्रैक्शन हो रहा है हमारा? टू अपॉन थ्री। अब सेकेंड, इसकी सिस्टर जो है, सिस्टर का डिनोमिनेटर थ्री है, मीन्स वो जो डिवाइड होगा थ्री इक्वल पार्ट्स में, थ्री इक्वल पार्ट्स में इसका ये वन पार्ट को सेडेड करी है, मीन्स पेंट करी है ये। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा? वन अपॉन थ्री। थ्री, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? सब दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे बेटा। टू प्लस, तो ये आपका टू प्लस अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री। इधर देखो, होल वॉल टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री। और थ्री अपॉन थ्री को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या होगा? वन। इसका मतलब उसने दोनों, ये शुभम और इसकी सिस्टर मिलकर पूरे वॉल को पेंट कर दिए। कैसे हो गया पेंट बेटा? अगर मैं ये एक वॉल मैं लूं और इसे थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, ओके? तो वन और ये सेकेंड वन पार्ट और टू पार्ट, ये कौन पेंट किया? ये शुभम पेंट किया। और लास्ट का जो बचा हुआ जो ये जो वन पार्ट है, यानी थर्ड वाला पार्ट, ये पार्ट उसे कौन करी? सिस्टर पेंट करी। सर, आप बीच बीच में अटक जा रहे हो। नो सर, मेरे में तो नहीं अटक रहे। ये सर आप अटक जा रहे हो बीच। सर नहीं अटक रहे हो आप। ठीक है बेटा, अटक रहे हैं। नहीं अटक रहे हैं। आज वैसे भी बहुत बारिश हुई है। सर अटक नहीं रहा है कोई यहाँ। तो इसका आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में They paint together में क्या करोगे आप? 2/3 ले लो आप, 2/3 में ऐड कर दो क्या? 1/3 means 3/3 means 1 means 1 complete part, 1 complete part means पूरे के पूरे वाल उस लोगों ने क्या करे? पेंट कर दिए। पेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर फोर देखो आप। फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस, है ना? तो फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन में आप 4/10। सर आप फर्स्ट बताओ, हम लोग सेकंड और थर्ड बताएंगे। फर्स्ट मैं बता दूं? ठीक है, मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। देखो इसे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है आपका 7/10 में आपका क्या आएगा? ये बॉक्स मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। सर मैं बताऊँ? 4/10। ये आपके लिए माइनस का सिंबल है, क्या आपका माइनस हो रहा है? अरे आपका लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन है तो आप सिंपल इसका 10 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10। और ये 7 माइनस 3 तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4/10 आएगा। 4/10 तो 4/10 मींस अब आपके लिए इसका बॉक्स में क्या आएगा? 4 अपॉन 10। ठीक है सर, अब सेकंड बताओ। सेकंड सेकेंड मैसेज करो। मैं बताऊं? नहीं, मैसेज करो, नाम बताओ। मैं नहीं बोलो, आप अपना नाम बताओ फिर मैं बोलूंगा। सर 2/21। नहीं बेटा। यस सर। आप अपना 8/21 होगा सर। रॉन्ग आंसर है आपका। 2/21 सर। रॉन्ग आंसर है, कोई तो एक करेक्ट आंसर बताओ ना सर। मैं 8/21 है ना।
सर 8/21 होगा 8 - 3 = 5 चाहत यस सर रुक जाओ एक मिनट यस सर सर मैं बताऊं आप लोग बेटा आप लोग मैं बताऊं बोलते तो हो लेकिन आपका एग्जैक्ट हमें नाम नहीं मालूम है ना तो आप क्या करो कि अगर आपको एक्सप्लेन करना है ना आप अपना मैसेज करो ना मैं उसे मौका दूं ये आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर बी देखो क्वेश्चन नंबर बी में ये आपका एक नेगेटिव का साइन है नेगेटिव साइन मीन्स ये आपके लिए क्या है 3/21 तो है लेकिन ये आपका -3/21 है इक्वल टू सॉरी नहीं ये क्वेश्चन ये आपका बी में ये आपका एक फ्रैक्शन आएगा ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये आपका माइनस का साइन है और 3/21 है ये आपका 3/21 इक्वल टू ये आपका क्या आ रहा है लास्ट आपका 5/21 तो इस तरह के क्वेश्चन में ये जो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है मीन्स आपको एक फ्रैक्शन चाहिए ये फ्रैक्शन चाहिए तो आप ये जो फ्रैक्शन है आप इसे ट्रांसपोज करो उस साइड में जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो आप इसका सिंबल देखो ये हमारा क्या है माइनस किसी भी नंबर को मैं जब ट्रांसपोज करता हूँ तो उसका सिंबल चेंज होता है प्लस से माइनस होगा या माइनस से क्या होगा प्लस होगा तो जब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो 3/21 हमारा माइनस में है वो उधर जाकर प्लस में होगा तो आपके लिए ये जो फ्रैक्शन का जो बॉक्स है वो इक्वल टू फर्स्ट आप 5/21 लो 5/21 और 3/21 में ट्रांसपोज करने के बाद इसका सिंबल माइनस है अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस हो गया तो आप ये दोनों हमारा लाइक फ्रैक्शन है 21 और 21 आप इसके न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करो तो 5 + 3 क्या हो गया 8 तो आपके लिए होगा 8/21 ये जो फिल इन द जो ब्लैंक है ये जो आपका बॉक्स है इसमें आंसर आपका आ रहा है 8/21 और आप इसे वेरीफाई कर सकते हो कैसे करोगे वेरीफाई ये आपका 8/21 का डिनोमिनेटर 21 है और 3/21 में डिनोमिनेटर हमारा 21 मींस बोथ आर लाइक फ्रैक्शन जब आपका लाइक फ्रैक्शन है तो आप सिंपल इसको न्यूमरेटर में माइनस करो 8 - 3 = 5 कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ लो अपना अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास इसको मेरी बात आप लोग मानते नहीं हो ना मैं तो आपको बताता हूँ कि आप खुद से म्यूट रखो जब आपको कुछ डाउट पूछना है ना तब आप अनम्यूट रहो आप सारे के सारे क्या करते हो अनम्यूट हो जाते हो परेशानी में आप लोग पढ़ते हो आप जल्दी करो लेस देन 1 बाकी है बस क्लास विंडो ने ये लास्ट क्वेश्चन सी कोई एक्सप्लेन सर मैं करूं एक्सप्लेन सर मैंने बार बार नाम भेजा मैंने भी नाम भेजा सर रुक जा बेटा सर मैंने भी नाम भेजा एक मिनट मैं ऐसा चेक कर रहा हूँ मैं यस प्रतीक